हे गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। फाइनली रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए MIUI 12 का एक न्यू स्टेबल अपडेट 12.0.3.0 का न्यू अपडेट इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। 593 MB इस अपडेट का साइज़ है एंड ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के डिवाइस में टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। तो इस अपडेट की डाउनलोड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे आपको लिंक की हेल्प से अपने डिवाइस में मैनुअली इस अपडेट को इंस्टॉल करना है, सबको ये अपडेट कब तक मिलेगा, सब कुछ आपको वीडियो में आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस में कुछ न्यू चेंजेस आपको मिल जाते हैं। लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट आपको मिलता है। सेटिंग्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं और अभी भी आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का अपडेट रोल आउट नहीं किया गया है। तो MIUI 12.5 सीरीज़ का अपडेट कब तक मिलेगा और एंड्रॉइड 11 का अपडेट उससे पहले मिलेगा या उसके साथ मिलेगा, कब तक आपको मिलेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो जरूर से लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए ताकि Redmi Note 9 Pro Max या किसी भी डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करी जाए इस अपडेट के बारे में तो फाइनली Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं 12.0.3.0 का ये अपडेट आपको मिलता है। तो जिन यूजर्स के डिवाइस में लास्ट अपडेट नहीं मिला था तो डायरेक्टली अभी आपको 12.0.3.0 का ये अपडेट रोल आउट देखने को मिलेगा। और अपडेट का कोड आप देख सकते हैं QJXINXM आपको मिलता है। क्यू स्टैंड फॉर एंड्रॉयड 10, तो अभी भी ये अपडेट आपको एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस मिलता है। और अभी प्रो मैक्स डिवाइस के लिए भी जल्दी एंड्रॉयड 11 का अपडेट रोल आउट किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताया गया कि मार्च या अप्रैल के मंथ तक 90% से ज़्यादा चांसेज हैं कि इस डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 11 का अपडेट रोल आउट कर दिया जाए। जो भी अभी 12.0.3.0 के बाद जो अगला अपडेट होगा उसमें दोस्तों मैक्सिमम चांसेज है कि एंड्रॉयड 11 के साथ ही आपको अगला अपडेट रोल आउट देखने को मिलेगा। MIUI 12.5 सीरीज से पहले ही आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिल सकता है, पूरे इसी के चांसेस हैं। तो 12.5 सीरीज़ तो वैसे भी आपको 3-4 महीने के बाद देखने को मिलेगी, उससे पहले दोस्तों अभी 1-1.5 महीने में आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबको एक साथ नहीं मिलेगा लेकिन रोल आउट होना जरूर स्टार्ट हो जाएगा। 593 MB अभी के लिए ये अपडेट का साइज है जो कि रोल आउट किया गया है। अपडेट का चेंज लोग आप देख सकते हैं, हमेशा की तरह एक ही पॉइंट मेंशन किया गया है कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल को अपडेट कर दिया गया है, इंक्रीज़ किया गया है सिस्टम सिक्योरिटी को। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि फरवरी का मंथ अभी चल रहा है एंड इसी मंथ का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं 1/2/2021 का आपको मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर चेंज लॉग में कोई भी ज़्यादा मेजर चेंजेस को मैंशन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें थोड़े बहुत चेंजेस के बारे में तो सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी स्टेटस के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो वो आपका नॉर्मल अपडेट है जो कि Xiaomi की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये Google की तरफ से ऑफिशियल अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बेटर ऑप्टिमाइजेशन आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको जनवरी का मिल जाता है, अगर आपके डिवाइस में मिला है तो इसे भी आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप डिस्प्ले में चेक करेंगे तो डार्क मोड 3.0 का जो ये लेआउट है, कुछ ऐसा डार्क मोड का लेआउट आपको मिल जाता है। अगर आपको लास्ट अपडेट नहीं मिला था तो आपके लिए नया ऑप्शन है, अगर आपको लास्ट अपडेट मिला था तो पहले ही ये यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेटिंग्स में होम स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं अरेंज आइटम्स इन रिसेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो MIUI 11 में एंड 12 में दोनों में सेम आपको वर्टिकली रिसेंट एप्स का लेआउट मिलता है, लेकिन दोस्तों अभी हॉरिजॉन्टली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आईफोन्स में आपको मिलता है, iOS में आपको मिलता है। अगर आपको रिसेंट ऐप्स में ये न्यू लेआउट नहीं मिला है तो सिंपली जो आपका MIUI का ऑफिशियल सिस्टम लॉन्चर है उसको आपको अपडेट करना है। उसके बाद दोस्तों सेटिंग्स में काफ़ी सारे चेंजेस आपको मिलेंगे एंड वैसे सेटिंग्स में सिस्टम ऐप्स अपडेट के अंदर यहाँ पर अगर आपके डिवाइस में सिस्टम लॉन्चर का अपडेट आया है तो यहाँ से सिंपली आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वन हैंडेड मोड का। तो इसका जो लेआउट है आप देख सकते हैं, जो एनिमेशन है यहाँ पर जो बताया गया है कि कैसे काम करता है उसका लेआउट थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर थीम स्टोर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर रिंगटोन्स के अंदर आप देख सकते हैं MIUI 12.5 सीरीज़ की जो नेचर रिंगटोन्स है वो आपको मिल जाती है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैमरा के अंदर व्लॉग मोड वगैरह एंड जो बाकी न्यू ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। सिक्योरिटी ऐप की बात करें तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत लेआउट है जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप क्लीनर एंड यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाते हैं MIUI के फीचर्स के कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। और अगर हम इस अपडेट के बाद एंटीटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 720G का गेमिंग चिपसेट आपको मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छी आपको मिल जाती है
एंड जो बेंचमार्क स्कोर है वो 2,40,000 के अप्रोक्स आसपास आपको मिलता है, 2,50,000 के अप्रोक्स, तो ठीक ठाक बेंचमार्क स्कोर आपको मिलता है। दोस्तों अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट अभी तक आपको नहीं मिला है तो 4 to 5 days में जल्दी आपको मिल जाएगा, सेटिंग्स में आप चेक करना है तो जल्दी आपको OTA अपडेट मिल जाएगा। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली फाइल को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप अपडेटर ऐप में आएंगे अबाउट फोन में, तो MIUI 12 का जो लोगो है उस पर आपको 10 से 15 बार टैप करना है, एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स है, उस पर टैप करने के बाद चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली आपकी फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो फाइल आपने अपडेट की डाउनलोड की है वो डाउनलोड वाले फोल्डर में होगी या फिर जिस भी ब्राउज़र से आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर में होगी। तो सिंपली फाइल को सर्च करने के बाद उस पर टिक करना है, ओके आपको कर देना है एंड 2 से 5 मिनट के अंदर आपका डिवाइस में सक्सेसफुली अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा। फ्यूचर के भी OTA अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऑफिशियल मेथड है। कोई भी आपके स्मार्टफोन का डाटा है, जो भी फोटोज़ वीडियोज़ है, कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ भी इरेज नहीं होने वाला। आप ऐसे ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अपडेट को। तो दोस्तों ये अपडेट आपको मिल जाता है। और अगर आपको Redmi Note 9 Pro Max के लिए या Redmi Note 9 Pro या Poco M2 Pro तीनों में सेम बैकवर्ड टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको परचेस करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।